हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत स्वागत करता हूँ। तो चलिए, कल का जो सेशन स्टार्ट किए से हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट डल चुका है, जो क्वेश्चन कराए गए सभी एग्जाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन हैं, और आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं यहाँ से भी जो कि इंक्लूड किया गया है। सभी एग्जाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन हैं, जो आपके सब इंस्पेक्टर SI PSC सभी एग्जाम के लिए आने वाला है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपका जो PSC का नोटिफिकेशन आने वाला है लगभग 26 नवंबर को, हर साल आ जाता है, तो देखते हैं इस साल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज तो क्वेश्चन हमारा 30 शायद 31 तक क्वेश्चन को किए थे, तो बढ़ेंगे आज हमारा। अगर पहला पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ राज्य कौन सा जो वन वृत्त है वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो वनों की जो कि उपलब्धता के क्षेत्र में दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो बिलासपुर वन वृत्त, सरगुजा वन वृत्त, बस्तर वन वृत्त, या डी है रायपुर वन वृत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलासपुर वन वृत्त, जो कि यहाँ आपके आपके जो वन वृत्त है, जो कि आपके उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा वन वृत्त है, तो बिलासपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा आपका पूछा जाएगा तो दुर्ग, इसका आंसर लीजिएगा, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का जो बिलासपुर वन वृत्त है, जो कि वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा वन वृत्त बिलासपुर है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लामा लाव है, इसका क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग, कबीरधाम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कबीरधाम। तो एक लामा जो लाव है, इसका क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो आपके कबीरधाम में स्थित है, याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 80.45%, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुषों की जो साक्षरता कितना है, तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन है। तो याद रखिए 80.45%, जो कि छत्तीसगढ़ में जो पुरुषों की साक्षरता दर है, याद रखिए 80.45, यह 2011 की जनगणना के अनुसार इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर जिले में किस समूह के चट्टाने पाई जाती है, तो कड़प्पा शैल समूह के, गोड़वाना शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, या डी है विंध्यन शैल समूह। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारवाड़ शैल समूह। तो बीजापुर जिले में किस समूह के चट्टाने पाई जाती है, तो आपके धारवाड़ शैल समूह, याद रखिएगा बीजापुर जिले में आपके धारवाड़ शैल समूह के चट्टाने पाई जाती थी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है, तो उत्तर पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी से, सी है उत्तर पूर्वी मानसून से, डी है दक्षिण पूर्वी मानसून। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो छत्तीसगढ़ में इन हवाओं से वर्षा होती है, याद रखिएगा दक्षिण और पश्चिम मानसून, यहाँ पे जो कि इससे हवाओं से वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में, तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की स्थिति को प्रारंभ हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए अक्सर इसको रिपीट किया जाता है। तो इसका 1 अगस्त 2020 को, 1 जुलाई 2020 को, 20 जुलाई 2020 को, या डी है 21 अगस्त 2020 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 20 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना, जो कि इसको स्टार्ट किया गया था, और इस योजना को आपके स्कॉच अवार्ड भी इसको प्राप्त हो चुका है। तो याद रखिए गोधन जो न्याय योजना है, आपको किस तिथि को प्रारंभ किया गया है, तो 20 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में इसको जो कि प्रारंभ किया गया था, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना के माध्यम से नरवा, घुरवा और आपका जो बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया था, तो पशुधन मित्र योजना, पौनी पसारी योजना, किसान न्याय योजना, या डी है सुराजी गांव योजना। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुराजी गांव योजना के तहत इस योजना के माध्यम से नरवा, गरुआ, घुरवा और बाड़ी अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन सुराजी गांव योजना, याद रखिएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियाँ कार्यरत है, तो 118, 69, 112 और 72। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 69। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियाँ कार्यरत है, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन 69 जो उपज जो मंडियाँ हैं अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं, याद रखिएगा 69, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती है, क्या कहलाती है, तो छत्तीसगढ़ में आपके ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो हवाएं कहलाती है, आपका चिनूक, चक्रवात, सिराको, यल्लू,
तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लू। तो यहाँ जो हवा है जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को आपके लू के नाम से जाना जाता है, इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढोकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? कोरवा जनजाति, पंडो जनजाति, कमार जनजाति, मुरिया जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, पंडो जनजाति। तो ढोकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपके ढोकू विवाह में, या आपके सॉरी कोरवा जो जनजाति में ढोकू विवाह प्रचलित है, तो इसका कोरवा जो जनजाति बी ऑप्शन है इसका, कोरवा जनजाति याद रखिएगा, कोरवा जनजाति में ढोकू विवाह प्रचलित है। तो इसमें ऑप्शन जो कि यहाँ पे जो कि मिस्टेकिंग है, तो इसको कोरवा जनजाति में ढोकू विवाह प्रचलित याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर चित्रंजन, सी है दयाशंकर शुक्ल, या डी है डॉक्टर विनय कुमार पाठक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दयाशंकर शुक्ल जी। तो दयाशंकर जो शुक्ल जी है जो कि छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा दयाशंकर शुक्ल जी जो कि छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के अध्ययन के रचनाकार हैं। तो इसका सी ऑप्शन दयाशंकर शुक्ला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? तो भादो कृष्ण चतुर्थी में, भादो शुक्ला चतुर्थी में, या कुंवर आपके कृष्ण चतुर्थी में, या डी है कुंवर शुक्ला चतुर्थी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, भादो शुक्ला चतुर्थी में बहुरा चौथ का पर्व मनाया जाता है। याद रखिएगा भादो शुक्ला चतुर्थी में बहुरा जो चौथ है इस दिन मनाया जाता है इस पर्व को, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खम्ब स्वांग की जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कोरकू जनजाति, आपके खड़िया जनजाति, मुरिया जनजाति, या मुंडा जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, खम्ब स्वांग जो जनजाति के द्वारा आपके जो कोरकू जनजाति इन लोग जो कि खम्ब स्वांग जो कि इस जनजाति द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा कोरकू जनजाति द्वारा खम्ब स्वांग जो कि इन जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन, कोरकू जनजाति द्वारा आपका खम्ब स्वांग इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, युवा ग्रीव को गितियोना कहा जाता है, किस जनजाति को कहा जाता है? तो उराव, बिरहोर, कमार, या बैगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बिरहोर। तो युवा ग्रीव के जो गितियोना कहा जाता है किस जनजाति को कहा जाता है? तो आपके बिरहोर जनजाति को गितियोना के नाम से इस जनजाति को जाना जाता है, तो याद रखिएगा बिरहोर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो श्रीमती ममता चंद्राकर जी, श्रीमती सूरजबाई खांडे, श्रीमती तीजनबाई, या डी है सुश्री ऋतु वर्मा जी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीमती सूरजबाई खांडे जी जो कि भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध गायिका है, याद रखिए भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो श्रीमती सूरजबाई खांडे जी जो कि भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है, इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? तो ददरिया गीत, भरथरी गीत, चंदैनी गायन, या पंथी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ददरिया गीत। तो छत्तीसगढ़ में लोक गीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? तो ददरिया गीत को, जो कि छत्तीसगढ़ में लोक गीतों का राजा कहा जाता है ददरिया गीत को, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति कौन सी है? तो तुलसी तत्व प्रकाश, रस रत्नकार, छंद सरावली, या डी है छंद प्रभाकर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छंद प्रभाकर, जो कि साहित्य जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति कौन सी है? तो छंद प्रभाकर याद रखिएगा, जो कि जगन्नाथ प्रसाद भानु जी की प्रथम कृति है जिसका नाम है छंद प्रभाकर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? तो घड़वा, झारा, मलार, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मलार। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति के द्वारा धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? तो याद रखिए जो मलार जो जनजाति है सरगुजा में, तो इन जनजातियों द्वारा धातु की मूर्ति कला का कार्य इन लोग करते हैं, तो याद रखिएगा मलार जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सटीक विकल्प यहाँ पे देना है। तो श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है, और कथन दो है आपका, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इस अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में किया गया था। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन एक सही है आपका लेकिन कथन दो गलत है। तो सही श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल किए गए लेकिन कथन दो आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प यहाँ पे चुनना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर उसका आंसर लगाइएगा।
कथन पहला है कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है, तो सही है कथन पहला। दूसरा कथन है कपिल यह बताता है कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है और देवी सत्ता की द्वारा नहीं, तो इसका एक और दो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कथन एक एवं कथन दोनों सही है, तो याद रखिएगा जो कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता इन्हों की जो कि वहाँ पे कथन एक और कथन दो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंपी छाया क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प का यहाँ पे चुनना है। तो एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। कथन दो है आपके भूकंप लेखी भूकंप अभिकेंद्र में 150 अंश के बाहर किसी भी दूरी पर पी एवं एस दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कथन एक सही लेकिन कथन दो आपका गलत हो जाएगा। तो एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे छाया क्षेत्र में सर्वथा भिन्न होता है, तो इसका कथन फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो उसका सही उत्तर यहाँ पे चयन करना है। कथन पहला है आपका तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। दूसरा कथन अकबर का विवाह राजा मानसिंह की बहन के साथ हुआ था। कथन तीसरा है अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं, तो इसका एक और दी जो कथन है यहाँ पे, तो इसका जो थर्ड केवल जो तीन कथन इसका सही हो जाएगा। अबुल फजल के जो आईने अकबरी के लेखक हैं, तो याद रखिए इसका तीसरा कथन सही हो जाएगा, बाकी एक और दो इसके गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी भारत के लोक चित्रकलाओं से संबंधित यहाँ पे कथन दिया है, जो भी इसको सही उसको जो कि कथन को सही मानना है। कथन पहला है पटचित्र है चित्रकलाओं के विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। और कथन दो है मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती है। कथन थर्ड है पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। तो आपके जो तीनों कथन हैं आपके भारत में जो लोक चित्रकलाओं से संबंधित जो तीनों कथन हैं सही हैं, जिसका एक और दो और तीन इसका सही आंसर, सभी चारों कथन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसका सही कथन यहाँ पे बताएं। जुलाई 1922 में जैविक कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी के गठन किया गया था, तो ये आपका सही है। पीसी घोष एवं आपके टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, तो ये भी सही है। तो आपके एक और दो कथन सही हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन एक और दो सही कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी गोपाल कृष्ण गोखले राधाकांत देव या डी आनंद मोहन बोस, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा राधाकांत देव, जो कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष हैं आपके राधाकांत देव, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे, तो 1936 1937 या 1938 में या 1939 में, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1939 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे, तो कौन सा 1939, याद रखिएगा डाटा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, विपिन चंद्र पाल ने या डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन लाला लाजपत राय। तो 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो लाला लाजपत राय जी ने की थी। तो याद रखिएगा 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने किया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा होती है, याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी पाटलिपुत्र, इसमें जो कथन पूछा गया, तो पाटलिपुत्र आपके उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन शांति निकेतन से प्रिंसिपल बने थे, तो 1942 1932 1920 में या 1912 में, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1922 में इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकला नंदलाल बोस ने 1922 में कला भवन या शांति निकेतन के प्रिंसिपल थे, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लोकसभा विधानसभा सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसका सही विकल्प बताना है। तो कथन पहला है, लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जातियों एवं 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। कथन दो है, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा जो लिया जाता है। कथन तीन है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वन, और जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो कथन दो, आपका किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग के द्वारा होता है। तो इसका एक और थ्री आपका कथन है गलत हो जाएगा, बाकी कथन दो आपका इसका सही कथन हो जाएगा। तो इसमें से कथन दो आपका सही हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए, थैंक यू।